गुड आफ्टरनून। वैसे जो हमारे टॉप गवर्नमेंट जो सबको बता रहे हैं एसेट मोनेटाइजेशन पे भारत सरकार का फोकस एकदम कमिटेड है और एकदम जारी है, लेकिन कुछ डिटेल्स हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि थर्सडे को मतलब इस हफ्ते ही कैबिनेट सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मिलेंगे जो कि डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज के रिस्पॉन्सिबल है एसेट मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम, जो भारत सरकार ने काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण प्लान बनाया है। लेकिन उसमें जो जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं उसमें गेल की पाइपलाइंस, पावर ग्रिड, कोल इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया एसेट्स, हाईवेज, एयरपोर्ट, पीएसयू, लैंड बैंक्स, ये सब चर्चा में रहेगा। लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट आज के टाइम पे इनफैक्ट जो डिस्कशन होना बाकी है, क्योंकि क्योंकि गेल की पाइपलाइंस काफी समय से चर्चा में है, तो गेल पे कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इनफैक्ट एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो काफी कोल की भी इंपैक्ट एसेट मोनेटाइजेशन की बात करेगी, कोल इंडिया की भी और एनएलसी इंडिया की भी, उसपे भी काफी ज्यादा चर्चा कैबिनेट सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में करी जाएगी। और ऑफकोर्स पावर ग्रिड के एसेट्स तो है जो काफी टाइम से भारत सरकार जिसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी भला करने के लिए, और एयरपोर्ट्स एंड हाईवेज का जो बंडल्स है उसको भी भारत सरकार काफी फोकस रख रही है। तो डेफिनेटली जो दो से तीन सेक्टर्स पे हमको नजर रखना है वो रहेगा कोल, पेट्रोलियम, हाईवेज एंड एविएशन, जिसमें ये काफी ज्यादा जल्दी खबर अच्छी आ सकती है। लेकिन थर्सडे को आने वाले हफ्ते में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस रहेंगी कैबिनेट सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर। मुख्य तो आप देखिए लगातार एसेट मोनेटाइजेशन को लेके अब चर्चा जारी है, लेकिन आपको चेतन जी ने बताया कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हाईवेज है जहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एयरपोर्ट है, सरकारी कंपनीज हैं, लैंड बैंक पर क्या विचार होता है, क्या फैसला आता है, इन सब पर आपको नजर रखनी चाहिए। गेल, कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स हैं जहां पे लगातार फोकस बना हुआ है एसेट मोनेटाइजेशन पर, जिस तरह से सरकार बातचीत यहां पे कर रही है और फिलहाल किस तरह से फैसला आता है इस पर भी नजर रहेगी। चेतन जी।